हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाला सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसे हम बिना अंडा बिना ओवन के नॉर्मल घर के बर्तन में बनाएंगे और साथ ही साथ चॉकलेटी गनाज भी बनाएंगे, जो कि हम बिना चॉकलेट और क्रीम के इसे तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट के साथ ये केक तैयार होगा और खाने में बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलिए हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम होममेड ओवन की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन गैस पे रख दिया है। कोई मोटे तले का ही बर्तन आप ले, और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक को इस तरह से फैला देंगे और ऊपर से रख रही हूँ स्टैंड की जगह पे आप कोई भी प्लेट या कटोरी उल्टा करके रख सकते हैं। और इसे ढक के अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट हीट होने देंगे। तब तक हम केक का बैटर रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल, और उसमें ले रही हूँ ये 1/3 कप ये कुकिंग ऑयल। यहाँ पे आप कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ऑयल ना यूज़ करें। उसी के साथ ले रही हूँ 1/3 कप ये दही। ये घर में जमाई हुई दही है, ज़्यादा खट्टी दही हमें नहीं लेना है, फ्रेश दही लेना है। उसी के साथ डाल रही हूँ ये 1/3 कप ही शुगर पाउडर, जिसे मैंने शक्कर को पीस लिया है, इसे ऐड कर रही हूँ। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है कि ये क्रीमी और फ्लफ़ी जैसा हो जाए। 1 मिनट में ही देखिए हमारा ये मिक्स रेडी हो गया है। अब उसके ऊपर मैं रख रही हूँ एक छन्नी, और फिर उसमें डाल रही हूँ ये 1 कप मैदा। उसी के साथ डाल रही हूँ ये 1/4 चम्मच कोका पाउडर, ये अनसॉल्टेड कोका पाउडर है। उसी के साथ ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। उसी के साथ डाल रही हूँ ये 1 पिंच नमक, और इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान के ले लेंगे कि इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना रहे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाने के बाद हमें स्पैटुला की हेल्प से हल्के हाथ से इस तरह से हमें कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते समय ये ध्यान रखना है हमें कि इसे ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथ से इस तरह से ही मिक्स करना है, नहीं तो हमारा केक स्पॉन्जी नहीं बनेगा। देखिए एक बार इसे मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने यहाँ पे ये 1/2 कप दूध लिया है, ये नॉर्मल दूध हमें लेना है। इसे डाल के अब हम फिर से मिक्स करेंगे। हमें एक साथ दूध को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के फिर से हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए अब मैं फिर से इसमें 1/2 डाल चुकी थी, फिर से मैं बाकी का दूध डाल के इसे मिक्स कर रही हूँ। देखिए रेडी हो चुका है हमारा बैटर। इस तरह का ही हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिबन जैसा फ्लोइंग बैटर ही हमें रेडी करना है। अब हम फटाफट मोल्ड को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 6 इंच का केक मोल्ड ले लिया है। अब इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। चारों तरफ से हम इसमें अच्छे से ऑयल लगा देंगे, और फिर ऊपर से रख दे रही हूँ ये बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप यहाँ पे मैदा को भी डस्ट कर सकते हैं चारों तरफ से। अब इसमें हम हमारे केक बैटर को डाल देंगे, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये केक बैटर बनने के पहले ही हमें केक मोल्ड को और हमारे होममेड ओवन को रेडी कर लेना है, उसे हीट करके रखना है, क्योंकि ये बैटर रेडी करने के बाद इसे हमें रखना नहीं है, तुरंत बेक करने के लिए डाल देना है। अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे टैप कर देंगे। अब हमारा केक मोल्ड तैयार है, तो चलिए अब इसे हम बेक करने के लिए रख देते हैं। अब हमारा बर्तन भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसे ध्यान से हम इसे खोल लेंगे और इसमें केक मोल्ड को रख देंगे। बहुत केयरफुली रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इसे रख के अब हम ढक देंगे और एकदम लो फ्लेम करके अब इसे हम 30 से 40 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छी तरह से इसे हमें बेक करना है। अगर आप केक को ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे इसे हमें 30 से 40 मिनट बेक करना है, जब तक हमारा टूथपिक क्लियर ना आए। तो इसे अच्छी तरह से हमें बेक कर लेना है।
35 मिनट हो चुका है, अब हम केक को चेक कर लेंगे। तो आराम से हमें ढक्कन खोलना है और इसमें मैं टूथपिक डाल के चेक कर रही हूँ। टूथपिक डालने के बाद देखिए टूथपिक अच्छा क्लियर आ रहा है, मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपका टूथपिक क्लियर ना आए तो आप उसे 5 मिनट और बेक कर लें। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, कोई कॉटन के कपड़े से ढक देंगे कि ऊपर का सरफेस ड्राई ना हो। अब हम सिंपल सा चॉकलेट गनाज बना लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है ये 1/3 कप कोका पाउडर, अनसॉल्टेड कोका पाउडर लिया है। साथ में ले रही हूँ 1/2 कप ये शुगर पाउडर, उसी के साथ ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिया है ये 1 कप दूध। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी कोका पाउडर का या कॉर्नफ्लावर का लम्ब्स ना रहे। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसे हम कुक कर लेते हैं। अब इसे मैंने गैस पे रख दिया है और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है और इस तरह से इसे चलाते हुए हमें कुक करना है जब तक ये थिक ना हो जाए। थोड़ी देर में ही ये थिक होने लगेगा और हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है कि अच्छी तरह से केक पे जब हम कोट करें तो उसकी कोटिंग हो पाए। और इसे कुक करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो उसमें लम्ब्स पड़ने का चांस हो जाता है। 4 से 5 मिनट हो चुका है, देखिए अब ये थिक होने लगा है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 बड़ा चम्मच बटर। इसे डाल के फिर से हम 1 मिनट और कुक करेंगे, थोड़ा हमें इसे और गाढ़ा करना है। बटर डालने की वजह से हमारे गनाज में अच्छा शाइन आएगा जो देखने में अच्छा लगता है। और 1 मिनट कुक कर लेने के बाद देखिए अच्छी तरह से थिक हो गया है, ये कोट होने लगा है चम्मच में, देखिए इस तरह से कोट होने लगा है। हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी में ही चाहिए, अगर आपका कुक करते समय ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा दूध मिक्स करके उसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट सेट होने देंगे। तब तक हमारा केक भी थोड़ा सेट हो चुका है, तो अब इसे हम चाकू की हेल्प से इस तरह से साइड से थोड़ा डीमोल्ड कर लेंगे। और फिर एक मैं प्लेट ले रही हूँ और प्लेट पे इस तरह से हम इसे पलट देंगे और उस पे का बटर पेपर हम निकाल देंगे। देखिए केक हमारा बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार बना है। चलिए अब हम केक को कोट करेंगे गनाज के साथ। तो इसके लिए मैंने इसे एक स्टैंड पे रख दिया है कि जब हम चॉकलेट गनाज को उस पे कोट करें तो जो भी एक्स्ट्रा हो वो नीचे प्लेट पे गिर जाए। तो इसे मैंने इस तरह से थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके ऊपर से हम इस तरह से पोर करेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे वो चारों तरफ से केक पे कोट होने लगेगा, उसमें हमें खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से वो कोट हो जाएगा। चॉकलेट गनाज ऊपर से कोट कर लेने के बाद अब इसे मैं थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ केक को। तो यहाँ पे मैं ग्रेटेड चॉकलेट, इस पे कद्दूकस करके चॉकलेट, मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट लिया है, उसे इस तरह से चारों तरफ से हम फैला देंगे। डार्क चॉकलेट के बाद यहाँ पे मैं व्हाइट चॉकलेट से भी इसे गार्निश कर रही हूँ, देखने में सुंदर दिखेगा हमारा केक। तो इस तरह से मैं एक लेयर व्हाइट चॉकलेट का भी डाल रही हूँ। यहाँ पे आप आपके पसंद के हिसाब से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। और लास्ट में फिर मैं उसमें डाल रही हूँ डार्क चॉकलेट बीच में, जो देखने में अच्छा खूबसूरत लग रहा है। रेडी हो चुका है हमारा केक, दिखने में कितना यमी दिख रहा है। तो इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए। थोड़ी देर में ही हमारा केक तैयार है, तो चलिए फटाफट इसे कट करेंगे। तो आपने देखा ये इतना आसान था इसे बनाना, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट, बिना किसी चॉकलेट और बिना किसी क्रीम के गार्निशिंग भी हो गई और हमारा केक भी बन गया। केक को आप देख के समझ सकते हैं कि केक हमारा कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है, और इसका ये चॉकलेटी गनाज भी बहुत यमी बना था और केक भी बहुत यमी बनता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
साथ ही साथ बेल का भी बटन ज़रूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।